जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम शास्त्री SS में। आज मैं आप सभी को एक नई जानकारी देना चाहूँगा कि प्रत्येक इंसान को इन तीन कामों को करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि बेशर्म बन जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो तीन काम। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल का आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार पहला काम है कि व्यक्ति को कभी भी भोजन करते समय संकोच नहीं करना चाहिए, ना कि शर्म करनी चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करते समय शर्म करता है, संकोच करता है, वो कभी भी बलवान व सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन के वक्त शर्म करने वाले इंसान को भूखा ही रह जाना पड़ता है, उसका पेट नहीं भर पाता। इसलिए हमें भोजन करते समय संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरा काम है पढ़ाई करते समय, ज्ञान अर्जित करते समय, या कोई छात्र स्टूडेंट जब स्टडी कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसे कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। माना कि उसके माइंड में कोई सवाल गूंज रहा है जो उससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और वो शर्म के मारे टीचर से नहीं पूछ पा रहा है, और अगर ये शर्म को वो बनाए रखेगा तो वो कभी भी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा, और इस वजह से वो अधूरा ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। ये था दूसरा काम। तीसरा काम कौन सा है जो कि बहुत मेन है, जिसके बिना आजकल कुछ होता ही नहीं है, और जिसके बिना कुछ ना मिल पाता है ना कुछ हम दे पाते हैं, और जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है, उसका नाम है रुपया। तीसरी बात, व्यक्ति को कभी भी धन कमाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति इस मामले में संकोच करता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। जो व्यक्ति व्यापार या व्यवहार से संबंधित पैसों की लेन देन करने में शर्म महसूस करता है वो पैसा नहीं कमा पाता और पूरा जीवन गरीबी में चला जाता है। इसलिए हमें किसी से भी अपने उधार पैसे मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मान लिया हमारे किसी के पास पैसे उधार हैं और हम मांगने में शर्म कर रहे हैं, और अगर हमने ये शर्म बनाए रखी तो वो पैसे हमें दोबारा नहीं मिल सकते। इसलिए कभी भी पैसों के लेन देन में शर्म नहीं करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में घंटी का बटन जरूर दबाएं। आने वाली आगे और भी वीडियो का वेट करते हैं। जय श्री राधे।